तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम लोग का जो काम है, हमारा जो काम है, बाइक से रिलेटेड काम है। बाइक से रिलेटेड हम लोग सारा काम करते हैं, इंजन से लेकर बॉडी से लेकर पेपर से लेकर हर चीज का काम करते हैं। तो हमारा जो लाइन है, हम लोग जो वर्क करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत तरह के कस्टमर आते हैं। कुछ हमारे कस्टमर रहते हैं, कुछ कहीं और के कस्टमर रहते हैं, कुछ सजेशन किए रहते हैं कि वहां पर जाओ, आप काम कराओ, आपको अच्छा लगेगा, और कुछ रास्ते में किन्हीं का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो लोग आते हैं। तो इनमें से कुछ कस्टमर, हमारे कस्टमर कभी कहीं बाहर में ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो लोग कहीं काम वगैरह करवा लेते हैं, तो हमारे पास आते कि देखो तो ये काम करवाया, वहां पर कैसा किया या क्या है नहीं है। तो हम लोग जब काम करते हैं ना, तो किसी गाड़ी जो बाहर की गाड़ी आती है, उन्हें जब हम खोलते हैं तो ऐसे ऐसे उसमें पार्ट्स निकलते हैं ना, गाड़ी में ऐसा ऐसा पार्ट्स लगा हो रहा था कि जिसे देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि जो पार्ट्स आपका 40-50 रुपया का है, वो पार्ट्स का वो लोग 500, 1000, 2000 रुपये वसूल कर लेते हैं। वो किसकी गलती से? वो कस्टमर का, कस्टमर को नॉलेज नहीं होता ना स्पेयर पार्ट्स के बारे में, नॉलेज नहीं होता, या हम ही लोग किसी ऐसे चीज का काम करवा रहे जिसका नॉलेज नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, हम लोग चौधरी बन जाते हैं। तो कस्टमर लोग को भाई बहुत जगहों पर ऐसा किया जाता है ना कि हमारे कस्टमर नहीं है, रास्ता में ब्रेकडाउन हो गया है तो उसे जो मन सो लगा दो, है ना, पैसा जीत लो। और अक्सर मैं देखता हूं कि अगर किसी का रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ तो वो लोग उससे पैसे जीत लेते हैं, पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। हमारे साथ भी एक दो जगह हो चुका है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कस्टमर लोग के साथ ही, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक बार हमारा हाईवे में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया था, फोर व्हीलर था, उसका टायर पंचर हो गया था, फेल वगैरह का बढ़ गया था, तो सिर्फ टायर पंचर बनाने के हमसे 550 रुपए ले लिए गए थे। जो चूंकि वहां पर और दुकान नहीं था तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कि और लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं ये सब आपको डायरेक्शन क्यों दे रहा हूं, वो मैं आपको उस टॉपिक पे आना चाहता हूं। किसी का जब किसी को अगर जानकारी नहीं तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी कस्टमर को जानकारी नहीं है, कस्टमर लोग की सबसे बड़ी एक गलती क्या होती है ना कि किसी पे ट्रस्ट कर लेते, किसी पे विश्वास कर लेते, भाई तुम सही किए होंगे। तो इसमें ट्रस्ट करने वाली बात क्या है, कल हमारे पास एक कस्टमर आए थे, ठीक है, तो वो टायर लगवाए थे गाड़ी का, अपना गाड़ी का पीछे वाली टायर लगाए थे MRF का। तो हमारे पास आए तो हमारे ही कस्टमर है, कहीं और ब्रेकडाउन हो गया था उनका गाड़ी, टायर उड़ गया था तो टायर उनका मजबूरन लगाना पड़ा। अगर रास्ता में उड़ जाएगा तो धक्का देकर थोड़ी ना आएगा, 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पे अगर हो गया तो धक्का देकर नहीं आएंगे। तो उनकी गाड़ी जो ब्रेकडाउन हुई थी तो वो टायर कहीं रास्ते में लगवा लिए और टायर का उन्हें उनसे लिया गया 1800 रुपये MRF का रियर टायर 275/18, जो कि पीछे में टायर लगता है स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर था उनका। तो उन्हें गलत टायर दे दिया गया और गलत टायर देकर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो सब चक्कर में ना फंसे। थोड़ी बहुत अगर आप गाड़ी रखे हुए ना तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए गाड़ी के बारे में। अगर गाड़ी के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हर जगह ठगे जाओगे, हर जगह, चाहे वो कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा ठगे ही जाओगे। अगर आप कोई सामान वगैरह लगवा रहे हो गाड़ी, आप बहुत जगह पर मैं देखता हूँ ना कि गाड़ी जहाँ काम कर रहा हूँ वहां पर जाने नहीं देते, ठीक है, गाड़ी आपका गाड़ी बनाने के लिए दिए और गाड़ी जहाँ खड़ा है, गाड़ी काम कहीं और आप बैठे कहीं और टीवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको गाड़ी बना दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, ये सामान लगा, आप वहां पर देख नहीं रहे हो क्या क्या लगा, लेकिन ये सामान लगा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। छोटे जगहों पर तो क्या होता है ना कि आप वहीं पर बैठकर वहां पर काम करवा रहे हो, ये खराब है आपका, इसमें क्या, आप कोई भी सामान अगर चेंज करवा रहे हो ना, कोई भी सामान गाड़ी का, तो भाई मैकेनिक से पूछो कि ये क्यों चेंज किया, इसमें क्या प्रॉब्लम था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए इंजन का काम करवा रहे हैं हम, तो इंजन में जो खराब हो तो चेंज हुआ या जो नहीं खराब है वो भी चेंज हो जाता है, वो आपको बता दिया जाता है ना कि ये आपको 2000 किलोमीटर पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपको ऐसे करने पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपको इतना किलोमीटर चलेगा इसके चलते और फिर दूसरा चीज खराब हो जाएगा, मतलब ये बता दिया जाता है। ये बिल बढ़ाने का ये सब तरीका है, आपके पॉकेट को खाली करने का ये सब तरीका, तो ये सब तरीका से दूर रहे। चलिए मैं टायर के टॉपिक पे आता हूं जो उनके साथ हुआ, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, टायर का वीडियो दिखाऊंगा बाइक में। तो उस टायर में क्या फॉल्ट था, टायर तो MRF का ही था और गोटी भी बहुत अच्छा था उसका। कस्टमर को तो बोला गया कि न्यू टायर दे रहे, लेकिन टायर न्यू नहीं थी,
टायर रिसोल्व की हुई थी, जब हमने चेक किया उसे पूरा चेक किया तो टायर रिसोल्व की हुई थी पूरा, और वो रिसोल टायर आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगी बाजार में, और उनसे उतना पैसा ले लिया गया। नुकसान किसका हुआ? कस्टमर का हुआ। भाई औने पौने दाम का चीज ऊंची रेट में बेच दिया गया, कस्टमर को नॉलेज नहीं हुआ, इससे नॉलेज नहीं था इस कारण उनको घाटा हुआ। जब हमने उन्हें बताया कि ये रिसोल टायर है, उन्हें ये भी नहीं पता था रिसोल क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि रिसोल क्या होता है, प्लेन टायर होता है उसके ऊपर से फिर एक लेयर चढ़ाया जाता है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ ये तो टायर न्यू टायर है। तो मैंने उन्हें बारीकी से दिखाया, देखिए ये बारीकी से इसके ऊपर से ये कवरिंग किया हुआ है, ये चिपकाया हुआ है, ये आपका टायर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये ऊपर से छोड़ने लगेगा, क्योंकि रिसोल जो टायर होता है ना बाइक और स्कूटी का, इसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये सब बड़ी गाड़ियों में चलेगा लेकिन छोटी गाड़ियों में नहीं चलता, क्योंकि उसका जो टायर का जो लेदर होता है ना, टायर का जो लेयर होता है वो लेयर बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, उसके ऊपर चढ़ने पे क्या होता है टायर कमजोर हो जाती है। और जो रिसोल तो रिसोल हुआ ना, रिसोल में तो खैर हम न्यू टायर का पैसा दे रहे तो रिसोल क्यों बताइए। अब कस्टमर को जानकारी नहीं थी, नहीं तो भाई अब हम वहां जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे तो थोड़ी कुछ आपको कर लेगा, आप तो दूसरी जगह से लगवा के आप थोड़ी और 40-50 किलोमीटर उन्हें बोले जाओगे, अब हो गया नुकसान तो हो गया। हम बोले कि चलाइए जो चल रहा है सो चलाइए। तो भाई मैं कस्टमर लोगों से, जो ऑनर है गाड़ी का ऑनर है, उन लोग से आग्रह करूंगा कि आप कोई भी गाड़ी का पार्ट वगैरह चेंज करवा रहे हैं तो जहां तक हो सके, खैर भाग दौड़ का जिंदगी है तो सब लोग गाड़ी देके चले जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, पैसे से ज्यादा टाइम की अहमियत है और उसी का फायदा लोग उठाते हैं। तो आप कहीं पर गाड़ी वगैरह का काम करवाओ ना तो वहां पर देखो कि ये सामान आप चेंज हुआ, ये क्यों चेंज हुआ, आप क्यों चेंज किए, इसमें क्या खराबी, हमें आप समझाओ, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैकेनिक लाइन है ना, इसमें इतना झोल झाल है, इतना झोल झाल है कि पूछो मत। 10 रुपये का काम, कोई चीज 10 रुपये का काम होने वाला है तो उसमें दुनिया भर का पैसा लगा रहे। एक 4-5 दिन पहले कस्टमर आए थे हमारे पास, हमारे कस्टमर नहीं थे कि न्यूयॉर्क के कस्टमर थे, उनका गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था, किक से स्टार्ट हो रहा था, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता, उन्हें सेल्फ चेंज कर दिया गया, बैटरी चेंज कर दिया गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी सेल्फ घूम रही लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तो हमारे पास आए 9:30 बजे रात को, तो हमने चेक किया तो उनका सिर्फ एक पिकअप कॉइल से प्रॉब्लम था, हमने पिकअप कॉइल चेंज कर दिया, उनका गाड़ी स्टार्ट हुआ। तो वो कह रहा है कि हमें तो झूठ मूठ का उतना चूना लगा दिया। तो बस जानकारी का अभाव, अगर हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा सेल्फ से तो हमने बैटरी लगा दिया तो सेल्फ से स्टार्ट होना चाहिए। जब आप सेल्फ का काम कर रहे हो तो अगर हम बैटरी लगाए तो बैटरी से स्टार्ट, सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। चलिए बैटरी प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ भी हम न्यू डाल दिए तो अभी तो गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मेरा सेल्फ पर बैटरी सही होगा। जिस रीजन के लिए आप चेंज किए वो तो आपका सही होगा, तभी तो आपका स्टार्ट नहीं हो रहा, न्यू लगाने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो भाई प्रॉब्लम को बिना सोचे समझे सारा चीज चेंज करना अच्छी बात नहीं है, कारण कोई और रहता है और कारण कुछ और हो जाता है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को भुगतना पड़ता है। बहुत से लोगों की ना सैलरी उतनी नहीं होती है जितना गाड़ी, कभी कभी तो गाड़ी का बिल इतना बढ़ जाता है ना, उनके सैलरी से भी ज्यादा बिल बढ़ जाता है, तो वो एक महीने की सैलरी सारा चला जाए उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ियां होती है ना, टू व्हीलर में जो गाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियां, हैवी गाड़ियों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 100 cc 125 cc की जितनी भी गाड़ियां होती है ना, उसमें बहुत कम से कम खर्च होता है, नॉन मेंटेनेंस गाड़ी होती है, वो ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर आपका इंजन भी डैमेज हो गया ना, इंजन भी खराब हो गया, तो उसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 4-5 हज़ार रुपये तक ही खर्च होगा आपका। ऐसा नहीं है कि 10,000-15,000 का बिल बन गया, 4-5 हज़ार तक ही खर्च होगा उसमें। और ऐसे रनिंग काम करवा रहे हो तो अगर सर्विस करा रहे हो तो 500 से 1,000 के बीच आपका सर्विसिंग में लगेगा। अगर ज्यादा पार्ट खराब हुआ, ब्रेक शू खराब हुआ, कपलिंग रबड़ खराब हुआ, एयर फिल्टर खराब हुआ, इंजन ऑयल खराब हुआ, तो एक आध को केबल खराब हुआ, ऐसा तो नहीं कि सारा केबल वगैरह सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो जानकारी का अभाव, ये चेंज कराने से कस्टमर को समझा दिया जाता ना, ऐसा माइंड में भर दिया जाता कि आपको ये करने से ये हो जाएगा, माइलेज नहीं देगा तो ये हो जाएगा, जाम चलेगा तो फलना फलना फलना, ऐसा हो जाता है। और गाड़ी वगैरह की अगर आप सर्विस वगैरह कराओ ना तो सामने खड़े रहकर कराओ। एक दो जगह मैं ऐसा देखा हूं ना कि ग्रीस वगैरह लगा देते बाहर से चक्का में, हैंडल में, हमारे पास ही कितना गाड़ियां आती है, हैंडल पूरा जाम है और हैंडल ग्रीस लगा हुआ साइड से, तो हाँ हम करवा गए वहां पर काम, कस्टमर के सामने खोलते हैं
अब देखिए आप खुला हुआ कि नहीं खुला हुआ, कुछ है ही नहीं अंदर में, पूरा जंग लगा हुआ है सर में। लेकिन उनके कहने अनुसार कि वहां पर वो काम हुआ था, आप वहां खड़े थे? नहीं, हम वहां पर थे नहीं, हम देके चले आए थे। तो ये लूट जो मची हुई है ना, इससे आपको समझदारी से काम लेना है और बचना है। ऐसा नहीं है कि मैं उन मैकेनिक लोग को भी, वह उन मैकेनिक लोग को भी बोल रहा हूँ, उन मिस्त्री लोग के लिए भी बोल रहा हूँ जो ये सब काम करते हैं, ठीक है। बाजार में ऐसा ऐसा पार्ट्स भी उपलब्ध है ना जो कि ओरिजिनल के टक्कर का होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाना है, बहुत जगहों पर ऐसा ऐसा पार्ट्स जो होता है जो ओरिजिनल में भी वही आएगा आपको, और बाहर में भी जो लीजिएगा आप वही आएगा, मिंडा, बायरॉक, रिको, ये सब की जो रनिंग आइटम है, सुप्राजीत, ये सब की जो रनिंग आइटम है ना, ये सब ओरिजिनल की ही आती है, ओरिजिनल गाड़ी में लगकर आती है। तो आपको ओरिजिनल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बजट भी देखना है। खैर वो कस्टमर को मैकेनिक समझाएगा ना कि ये आपका ओरिजिनल ही है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो डालते हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, उन लोगों को ये देखना दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम ओरिजिनल पार्ट डालते हैं ना किसी में, हीरो की, होंडा की, बजाज की, तो उसका हम वीडियो बना लेते हैं, देखिए हम इसमें जेन्युइन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पार्ट्स भी आप यूज करते हैं तो उसका भी वीडियो डाला करो, जो आप अदर पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि आप मिंडा का स्विच लगा रहे हैं तो उसका भी वीडियो डाला करो कि इसका स्विच सही आता है। SLD का डाल रहे हो तो वो भी यूज किया करो कि सही आता है। सिर्फ जेन्युइन पार्ट डाल रहे उसी टाइम हम जेन्युइन पार्ट का वीडियो बनाएं, क्योंकि हम जेन्युइन सामान होते हैं, लेकिन दुकान में हमारे जेन्युइन भरा हुआ नहीं है। सिर्फ हम दो तीन सामान जेन्युइन डाल रहे हैं, उसका हम क्लच प्लेट देखिए जेन्युइन डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन्युइन क्लच प्लेट ही सही होता है, आपको बाहरी ब्रांड भी आता है ना, दो चार रिको की आती है, एकदम एक नंबर क्लच प्लेट होती है। तो भाई कस्टमर का काम ऐसा करो ना, उनका कम बजट में काम भी हो जाए और आपका भी नाम हो। अगर आपका कम बजट, आप किसी को कम बजट में काम कर दे तो वो आपका परमानेंट कस्टमर हो जाए, और एक ही बार काट लोगे ना तो दोबारा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा काटोगे तो हमेशा आप उसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो गया। वो आप 50-50 रुपये एक बार में कमा रहे हो तो वो आप साल, दो साल, तीन साल तक कमाते रहोगे, लेकिन आप एक बार में 500 रुपये काटोगे तो नेक्स्ट बार वो नहीं आएगा। अगर वो किसी गलतीवश किसी दूसरी जगह पर खुलवा दिया तो ये कौन सामान लगा हुआ, ये तो इस गाड़ी का है ही नहीं, ये गाड़ी दूसरी गाड़ी का है, ये सही सामान नहीं है, तब फिर उस टाइम क्या, उस टाइम उसका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, ट्रस्ट उठ जाएगा। तो चलिए ज्यादा डायरेक्शन नहीं देता हूँ मैं आपको, उस टायर की वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पे, और वो आप देख लीजिए कि उस टायर में क्या है नहीं है, और ज्यादा डायरेक्शन देने से क्या फायदा। बाकी बात आपको गाड़ी रखना है, गाड़ी चलाना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तभी, नहीं तो सिर्फ गाड़ी चलाने से नहीं होगा, दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप ये वीडियो, उसके बाद मैं चलता हूँ, बाय बाय। दोस्तों इस स्प्लेंडर में टायर लगा हुआ है, ये टायर देख रहे हैं आप, टायर ब्रांड न्यू है और ये टायर रिसोल की हुई है, दिख रहा है आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सामने से दिखाता हूँ। टायर में फुल्ली गोटी है लेकिन ये टायर रिसोल किया हुआ है और कस्टमर को नई टायर बोल के लगा दिया गया है कि इसमें नया टायर है और नया टायर का पैसा ले लिया गया है। ये देख रहे हैं इसका लेयर, इस जगह से लेयर चढ़ा हुआ है, ये चिपका हुआ है यहाँ से, देख रहे हैं, एक प्लेन टायर के ऊपर में एक परत लगी हुई है, देख रहे हैं, ये रिसोल टायर है और कस्टमर को न्यू टायर बोलकर दे दिया गया है, ये कहीं पर लगवाए थे तो कस्टमर को जानकारी नहीं होने के कारण ग्राहक जो है वो बेवकूफ़ बन गया और जो दुकानदार थे वो फ़ायदा उठा लिए। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ये पूरा लाइनिंग पूरा चिपका हुआ है टायर के ऊपर में, पूरा चिपका हुआ है, ये पूरा चिपका हुआ है, बेवकूफ़ बनाकर कस्टमर से पैसे ऐंठ लिए गए। और ये देख रहे हैं ये रिसोल टायर है, ये रिसोल टायर है और पूरा पॉलिश किया हुआ है, इससे लग रहा है कि ये पूरा न्यू टायर है, चूँकि ये न्यू टायर नहीं है। मैं आपको इस तरफ से भी दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर कटिंग करके डाला हुआ ऊपर से, ये ऊपर से कटिंग करके डाला हुआ इस जगह से, और पूरी टायर में पॉलिशिंग की हुई है जिससे पता न चले कि ये पुरानी टायर है, और कोई भी नया आदमी देखकर नहीं कहेगा कि ये पुराना टायर है, ये रिसोल टायर किया हुआ। देख रहे ये यहाँ से लेदर चढ़ा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे छटा हुआ है यहाँ पर उखाड़ के आप इसे देख सकते हैं, ये ऊपर का एक लेयर चढ़ा हुआ, ये देख रहे ये वाला ये पार्ट यहाँ से चिपका हुआ, और गोटी तो ऐसा लग रहा है ना इसमें, ये एकदम न्यू टायर ही है, ये साइड से ये जब कुछ दिन चलेगा ना तो ये कबड़ने लगेगा,
उखड़ने लगेगा, क्योंकि छोटी गाड़ियों में रिसोल टायर नहीं चलती, रिसोल टायर बड़ी गाड़ियों में ही चलती है। यहाँ से कबड़ जाएगा जब ये गाड़ी, और लॉन्ग टूर पर जब गाड़ी जाएगी ना, जब हीट होगी उस टाइम ये कबड़ने लगेगा, या पंचर वगैरह में गाड़ी खुलेगा तो ये कबड़ने लगेगा। इस गाड़ी, ये गाड़ी रास्ते में टायर ब्लास्ट हो गया था इसका, तो रास्ते में ही लगवाएं, और लगवाने के बाद जब ये हमारे पास आए तो हमने इन्हें बताया कि ये रिसोल टायर लगा हुआ, तब इन्हें एहसास हुआ कि हम ठगे जा चुके हैं, हम बेवकूफ़ बने जा चुके हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कुछ सामान के बारे में, पार्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा जानकारी रखें, नहीं तो